आप लोगों ने दिखाया समाचार पत्रों में पढ़ा कि मेरे खिलाफ सिविल लाइन थाना बिलासपुर में FIR दर्ज की गई है। मैंने एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति बनाई पर उसको उसके विषय में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये भारत का संविधान है, इसमें अनुच्छेद 20 है, उसको मैंने इस प्रेस विज्ञप्ति में उद्धृत कर दिया है। अनुच्छेद 20 के अनुसार आपराधिक कार्रवाइयां रेट्रोस्पेक्टिव अर्थात पुरानी तारीख को किए गए तथा कथित अपराधों पर नहीं लागू होती, यानी कोई भी अपराध यदि कानून बनने के पहले किया गया हो तो अनुच्छेद की 20 संविधान के अनुसार उस अपराध पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कानून बनने के बाद ही कार्यवाही हो सकती है। जो SC ST OBC अधिनियम पारित हुआ है वो 2013 को पारित हुआ है, जबकि जिन प्रमाण पत्रों का उल्लेख किया गया है मेरे खिलाफ वे सभी 2013 के पहले थे। इस प्रकार 2013 के पहले वैसे तो मैंने कोई गलत प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया, और अगर श्री भूपेश बघेल सोचते हैं कि मेरे प्रमाण पत्र गलत थे तो उन्होंने संविधान की शपथ ली और समौता संविधान ठीक से पढ़ा नहीं। अपराध प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। कानून बनने के बाद यदि उस कानून के अंतर्गत अपराध किया जाए तो कार्यवाही की जा सकती है। कानून बनने के पहले यदि कोई अपराध किया जाए तो कार्रवाई नहीं हो सकती, अर्थात यदि उदाहरण के लिए कहूं किसी ने हत्या की हो धारा 302 की कार्रवाई अगर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के पहले हत्या की थी तो उस पर हत्या की कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी तरह से ये जो कानून बना है SC ST OBC सर्टिफिकेट अधिनियम 2013 उसमें जो अपराधों का प्रावधान है उन अपराधों पर कार्रवाई 2013 के बाद के बने सर्टिफिकेट पर ही हो सकती है, 2013 के पहले बने सर्टिफिकेट्स पर नहीं हो सकती। आप चाहें तो मैंने इसमें लिख दिया है ऐसे तो अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आता है, उसका हिंदी उल्टा भी है। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये मैं संविधान से पढ़ रहा हूँ। कोई
व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रबलित विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती मैंने अपराध जब किया गया उसके बाद के कानून ही कानून में जब वो अपराध बना उसके बाद ही अपराध पर कार्रवाई हो उसका दूसरा सबसेक्शन जो यहाँ लागू नहीं होता किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाए तीसरा किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते इस तरह से ये स्पष्ट है कि अपराध रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता जिस दिन कानून बने उसके बाद से लागू होता है अंग्रेजी सलाहकारों को भी कंसल्ट कर रहा हूँ तो यदि आवश्यक होगा तो रूपेश बघेल कलेक्टर तहसीलदार और थानेदार को मैं संविधान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो मैंने रिपोजिशन दायर की है उसमें पक्षकार बनाऊंगा किंतु अभी मेरे के लिए उस समय जब उसने अपराध किया समय यदि कोई कानून उसको अपराध घोषित करता है तभी उस पर कार्रवाई हो सकती है 2013 में पास किए गए कानून के अनुसार सन 67 में प्राप्त किए गए सर्टिफिकेट पर कोई कार्रवाई इस के अनुसार नहीं हो सकती और इसीलिए आपको याद होगा डॉक्टर रमन सिंह संभवतः इसको समझते थे इसलिए जब उन्होंने दो बार उनके शासनकाल में मेरे खिलाफ रिपोर्ट हुई तो ऐसी कार्रवाई नहीं की थी उनके विधि सलाहकार ने उनको सही पत्र और उसमें निहित भावनाओं से
मुझे अवगत कराया गया है। जैसा कि हमारे पारिवारिक व व्यक्तिगत संबंध एवं मान सम्मान जैसा आपने भी पत्र में जिक्र किया है पूर्व से बने रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि पूर्व की भांति आगे भी बने रहेंगे। जाने अनजाने में मेरे किसी कथन या बयान से यदि आपकी भावनाएं किंचित मात्र भी आहत हुई हैं तो मैं इसके लिए दुख व्यक्त करता हूँ। सादर भावी टी एस इस पत्र की प्रतिलिपि आप लोग को दे रहा हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनकी भावना का मैं हृदय से सम्मान करता था, अब भी सम्मान कर रहा हूँ उनका, उनकी भावनाओं का, उनकी आप लोग चाहें तो व्यक्त करूँ या यही तो आप लोगों के परिवार इसमें ये अब आगे आप क्या करेंगे, एफ आई आर दर्ज हो गई है, गैर जमानती धारा है ये कह रहे हैं, तो आप जैसे बता रहे हैं इसको लेकर कुछ और कोर्ट में भी जाएंगे क्या? नहीं, मैं अपने विधि सलाहकारों से सलाह लेता हूँ कि असंवैधानिक कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार और थानेदार को यदि वैधानिक होगा तो मैं अपने रिट पिटीशन में पक्षकार बनाऊंगा कि उन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर ये कार्रवाई सलाह ले लूं। मुझे प्रथम दृष्टि लगता है कि पार्टी बना देना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पहले संविधान की शपथ ली और उसी संविधान के खिलाफ कार्रवाई की, तो संविधान के खिलाफ कार्रवाई की है का परीक्षण कराने के बाद आगे की कार्रवाई करें। सर, आपको लगता है कि जिस प्रकार से अभी दो चुनाव होने वाले हैं, दंतेवाड़ा का हो रहा है और इसके बाद निकाय चुनाव है, तो जानबूझ के पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए टाइम पे ये चीजों को सामने लाया गया? ये प्रश्न आप लोगों ने पहले भी पूछा था इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उत्तर दिया था कि चार रिपोर्टें मेरे बारे में आई। पहली तो श्री रॉबर्ट हनंदौला ने ली थी, वो संभवतः 99 में कांग्रेस शासन के दौरान वो मेरे पक्ष में थी। उसमें ये कहा गया था छानबीन समिति के अध्यक्ष आईएएस श्री रॉबर्ट हनंदौला थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं कमर आदिवासी हूँ और कोई प्रमाण पत्र नहीं। दूसरी रिपोर्ट डॉक्टर नमन सिंह की आई, उनका नाम क्या, लीना बाबा साहब कंगाले की
जैसे ही वो रिपोर्ट आई तो हमने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर की। वो रिपोर्ट इतनी गलत थी कि रमन सिंह जी की सरकार ने उसको हाई कोर्ट से निवेदन किया कि हमसे गलती हो गई, हम इसको वापस ले। फिर तीसरी रिपोर्ट उसी रीना बाबा साहब कंगाली की अध्यक्षता की आई, जिसमें उसने कहा कि मैं आदिवासी नहीं हूँ। उसके खिलाफ भी मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने उसको भी निरस्त किया। अगर आप रॉबर्ट हंडाला वाली रिपोर्ट को छोड़ दें तो बाकी तीन रिपोर्टें कोई ना कोई चुनाव के तत्काल पहले आई। अभी आप लोग के लिए कयास लगाने का विषय है कि ये ऐसी रिपोर्टें चुनाव के ठीक पहले क्यों देते हैं, ऐसी गलत रिपोर्ट। आपने चुनाव का जिक्र किया तो मैं कहना चाहूंगा कि आज से हमारा दंतेवाड़ा चुनाव के लिए अभियान गंभीरता से प्रारंभ हो गया है। हमारे विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी दलबल के साथ दंतेवाड़ा में हैं और आज से उन्होंने चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है। हम अपने प्रत्याशी की घोषणा एक दो दिन में कर देंगे, मन तो बना लिया है, पर अभी धनजी जी और श्री कोंडल सहपाठी तो दोनों मिलकर और भी राय लेंगे और उसके बाद जो नाम मेरे जहन में है उस नाम की घोषणा कर सकते हैं। जो मुद्दे हम इस चुनाव में उठाना चाहते हैं वो निम्ना अनुसार है। पहला मुद्दा जो हमारे आराध्य देव हैं नंदीराज पर्वत और उस पर जो हमारी आराध्य देवी विराजमान हैं उसको रमन सिंह ने लीज पर अडानी को दिया है और भूपेश बघेल ने उस पर कार्य करने की अनुमति, जिससे कंसेंट टू एस्टेब्लिश कर दिया। वो प्रमुख सचिव श्री खेतान के दस्तखत जारी की। हम किसी भी हालत में एक भी व्यक्ति एक भी फौड़ा पवित्र नंदीराज पर्वत पर नहीं चलने के लिए। पहले भी आंदोलन किया है और अगर जरूरत होगी तो आंदोलन करेंगे, जान की बाजी लगाकर आदिवासियों के आराध्य देव की आराध्य देवी की रक्षा करेंगे। ये मुद्दा पहला मुद्दा होगा।
दूसरा मुद्दा वो लगभग पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है और आज भी उस क्षेत्र में भूपेश बघेल का राज्य नहीं माओवादियों का राज्य चलता है। हम नक्सलवाद के संबंध में भूपेश बघेल की रणनीति से सहमत नहीं हैं। केवल गोली चलाकर गोली का जवाब गोली से देकर वहां नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र का भी विकास तीव्र गति से किया जाए। वो क्षेत्र हम लोगों से कम 2500-3000 वर्ष पीछे वो लोग आज भी लुंगी पहनते हैं, वो लोग आज भी जंगलों में नंगे पैर रहते हैं। अब मुसलमान में तो घर भी नहीं है, भूखे पेट रहते हैं और सोते हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे में हम मानते हैं कि जब तक ये सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी तब तक उनको हिंसा के रास्ते से हटने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। इस दिशा में भूपेश बघेल की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कि हमारा विधायक वहां अन्य समस्याओं को छोड़ इस तरफ ज्यादा ध्यान। हम ये भी मुद्दा उठाएंगे कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए समय आ गया है कि कोई ना कोई चैनल स्थापित करके नक्सलवाद के लोगों से वार्तालाप किया जाना चाहिए। कोई भी समस्या लड़ाई से तय नहीं होती, बातचीत से तय होती है। इसका जीता जाता उदाहरण नेपाल है, जहां पूरा राष्ट्र माओवाद से घिर गया था, बातचीत प्रारंभ हुई, समझौता हुआ और वही श्री प्रचंड जो माओवाद के कमांडर इन चीफ थे चुनाव लड़े और नेपाल देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो जब ये नेपाल में संभव है तो हमारे छोटे से बस्तर के दक्षिणी हिस्से क्यों नहीं संभव है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हमारा दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा। वहां का विकास, नक्सलवाद का समापन और बातचीत का रास्ता भी अपनाया जाए। ये कार्यवाहियां भी की जानी चाहिए।
ये हमारा दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा। इसी प्रकार तीसरा मुद्दा वहां वन अधिनियम के 2007 के अंतर्गत जंगल के पत्ते जंगल में बसे लोगों के पत्ते बहुत कम लोगों के बने हैं और जिनके बने नहीं हैं उनमें उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। चौथा मुद्दा भूपेश बघेल की सरकार ने 25,000 आंदोलनरत आदिवासियों को ये वादा दिया था कि नंदी पर्वत को देने में जो ग्राम सभा की फर्जी कार्रवाई हुई है उसकी जांच एक महीने में कर लेंगे। अब एक महीना तो क्या कई महीने बीत गए हैं और अडानी से बिजली भगत के कारण भूपेश बघेल और उनकी सरकार इस प्रोग्राम को टाल रही है, रास्ता ढूंढ रही है कि ये कैन प्रकार जांच करी जाए और नंदी पहाड़ अडवाणी को दे दिया जाए। हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ को अडवाणीगढ़ बनाने का जोरदार विरोध इस उपचुनाव में करेगी। चौथी बात मैं आपके माध्यम से मांग कर कि छात्र संघ के चुनाव कराए जाए, चुनाव हो नामांकन ना हो। अभी मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि नामांकन से छात्र संघ ने प्रत्यक्ष चुनाव से छात्र संघ बने। मैं कई बार कह चुका हूं कि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही हमारे बहुत से अधिकांश नेता तैयार हुए हैं, चाहे वे भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, हमारी पार्टी में हो। कहीं ना कहीं छात्र जीवन से ही वो राजनीति करते आए हैं, इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा नेतृत्व बनाने के लिए छात्र संघ चुनाव एक जैसे फॉरेस्ट नर्सरी होती है, उस नर्सरी की तरह होता है, इसलिए वो चुनाव कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं स्वागत करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दे दिया है कि नगर निकाय और नगर निगमों के चुनाव भी प्रत्यक्ष होंगे, पार्षदों के माध्यम से नहीं होंगे। ये निर्णय स्वागत योग्य है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे और मेरे पत्नी के क्षेत्र को जिला बनाया गया है क्योंकि वहां तीन तीन प्रमुख क्षेत्र और नगर हैं, गोरेला, पटना और मरवाही। इसलिए तीनों का नाम जोड़ के जिला का नामकरण नहीं हो सकता है।
पूरा क्षेत्र नर्मदा मैया का उपासक है, तो मैंने सुझाव दिया था कि उसका नाम नर्मदा अंचल किया जाए। अभी जब मैं गया था तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि नर्मदा अंचल की जगह सोनांचल किया जाए, क्योंकि नर्मदा जी तो केवल आपको और मेरे और आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकता होगी।
ऑक्सीजन पेड़ों से नहीं मिलती, पेड़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं अपने नाक से उसको ग्रहण करके हमारे लिए ऑक्साइड पैदा करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ गांव तो इस 1500 स्क्वायर किलोमीटर में आएंगे ही, मुझे नहीं मालूम कि ये 25 गांव उस प्रस्तावित पार्क की सीमा में है। जब हम नेशनल पार्क बनाते हैं, जैसे वारनामा पार्क बनाया है, अचानक पार्क बनाया है, और भी नेशनल पार्क बनाए हैं, तो कुछ गांव उसके बीच में आते हैं और उन गांवों को सीमा के बाहर अच्छे से स्थापित किया जाना चाहिए, मकान बना के देना चाहिए, खेती की जमीन देना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, सड़क बनानी चाहिए, बिजली देना चाहिए, तब उनको जंगल से हटा देना चाहिए। मैं नहीं सोचता इससे कोई वोट बढ़ेगा। पारंपरिक रूप से हम ये सब त्यौहार हमेशा मनाते हैं। मेरे घर में भी यदि ये नमी नहीं हुई होती तो आज पोला मनाया जाता, कड़ू भात खाए होते, हर साल होता है, आप लोगों के भी घर मनाता है। पर अच्छी बात है कि सरकारी स्तर पर इनको मना के हमारे पारंपरिक त्योहारों को मान्यता दी जा रही है। अच्छी बात है कि सरकार नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी पर केंद्रित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी चांद पर उतर रहे हैं, हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया बन रहा है, इंटरनेट से विकास हो रहा है, और हम लोग अभी भी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी में जो हमारे पुरखों के समय से चला आ रहा है उसमें लगे हुए हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं चाहूँगा कि इसके कुछ आगे बढ़ो, ये तो हजारों साल से हम लोग हमारे पूर्वज इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए साइंस सिटी की बात हो रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन करने की बात हो रही है, उद्योगों को लाने की बात की जा रही है, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात की जा रही है। थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी दृष्टि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से आगे भी बढ़नी चाहिए, वहीं तक केंद्रित रहे। ये मैं छत्तीसगढ़ जैसे अमीर और धनाढ्य और संसाधनों से संतृप्त राज्य के लिए अच्छा नहीं मानता हूँ। दृष्टि आगे भी बढ़नी चाहिए, जो हो रहा है वो अच्छा है, पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ट्रांसफर उद्योग, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, नौकरशाही, ये जो इस 7 महीने में दिख